स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आइए एक प्रार्थना के साथ, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो दया करके सद जान देते ही रहना, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया, प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ हमारे प्रांत की टीम बहुत ही यशस्विता के साथ जो योग आयुर्वेद ऋषि परंपरा को निस्वार्थ निष्काम भाव से निरंतर तन मन धन संसाधन से एकात्म होकर के राष्ट्र सेवा में लगे। हम एक व्यक्ति के रूप में जन्म लेते हैं, एक व्यक्ति के रूप में यहाँ हैं, लेकिन वास्तव में ये जीवन केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, ये जीवन केवल अपने घर परिवार के उत्तरदायित्व के लिए नहीं है, ये जीवन हमको मिला है साधना के लिए, ये जीवन मिला है आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए। हमारा जो वैदिक ऋषि परंपरा, हमारी जो सनातन परंपरा है, इस सनातन परंपरा को ऋषि परंपरा को हम जो है हम कभी भी इसको भुलाएं नहीं। हमारा संपूर्ण जीवन पूरे भारतवर्ष को पूरी आत्मशक्ति के साथ विश्व की शक्ति हम बने। हम क्या कहते हैं कि अयम निजहा परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये बोलते कि नहीं वसुधैव कुटुंबकम। हमारा ये सारा संसार ही एक परिवार है, और इस भाव चेतना के साथ इस उच्च चेतना के साथ जीते हैं तो ये पूरी दुनिया हमारी है कि नहीं। अगर हम अपने भाव को अपने स्वभाव को इस प्रकार से नहीं जीते हैं तो देखो ये पूरी दुनिया की बात छोड़ो, हम अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, बात समझ रहे हैं ना। अगर हम अपने मन पर अपनी इंद्रियों पर अपने स्वार्थ पर अपने जो लोभ है उस पर यदि हमारा नियंत्रण नहीं होगा तो हम कभी अपने परिवार को भी सुखी नहीं बना सकते हैं। योग से परम पूज स्वामी जी महाराज ने क्या किया, योग से सारी दुनिया को एक कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया। योग से हमारी इंद्रियों का हमारे मन का हमारे शरीर का रोग दूर हो जाता है, क्या हो जाता है रोग दूर हो जाता है, और हम पूर्ण निरोगी हो जाते हैं। रोग केवल शरीर का ही नहीं,
ये मन का रोग भी हमको परेशान करता है, करता है कि नहीं करता? बोलो, घर में यदि पति पत्नी के मन में द्वेष हो एक दूसरे के प्रति, तो क्या गृहस्थी चलेगी? अगर माता पिता के प्रति बच्चे में द्वेष हो, ईर्ष्या हो, छल कपट हो, तो क्या बच्चा घर का कल्याण करेगा? बोलिए ना, कभी नहीं करेगा। यदि समाज का जो पुरोधा है, समाज को दिशा देने वाला व्यक्ति है, यदि वो संकीर्ण विचारधारा का हो जाएगा, तो घर परिवार समाज का वो कल्याण करेगा क्या? कभी नहीं करेगा, कल्याण कभी कर नहीं सकता है। इसलिए हमको कल्याण से युक्त होने के लिए केवल स्वार्थ का ही भाव रहा तो पशु भी हमसे अच्छा जीते हैं। बोलो, जीते कि नहीं जीते? मनुष्य का और पशुओं का जीवन में भेद क्या, अंतर क्या है? मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बोलूंगा उसको आत्मसात आपको करके एक नया जीवन मिलेगा। अगर केवल बच्चे पैदा करने के लिए, अगर केवल पेट के लिए, अगर केवल यश और कीर्ति के लिए अगर मनुष्य का जीवन होता, तो फिर ये देश और समाज दुनिया चल नहीं सकती थी। हमारे लाखों लाखों ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को तपाया, तपाया कि नहीं तपाया? हमारे लाखों करोड़ों ऋषि ऋषिकाओं ने जीवन को खपाया है, वीर वीरांगनाओं ने देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। 12 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में प्राण निछावर कर दिए, किसके लिए? संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए। ये हमारा भारतवर्ष है, ये त्याग और तपस्या का देश है। यदि त्याग और तपस्या से हम जीवन को जीते हैं, तो याद रखना जीवन हमारा धन्य है। नहीं तो आजकल की परिस्थिति ये है कि पास पड़ोस के व्यक्ति 10-20 वर्ष से रह रहे, उसका नाम नहीं जानते, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि लेना देना नहीं। और पहले गांव में इतनी एकता होती थी, यदि किसी के घर में कोई दुख हो जाए तो पूरा गांव इकट्ठा होता था, होता ही था। अगर कहीं सुख है तो पूरा गांव हिलमिल करके काम करता था, करता था कि नहीं करता था? तो संघे शक्ति कलयुगे, आज हम बट रहे हैं, आज हम कट रहे हैं, आज हम लुट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने त्याग करना छोड़ दिया, हमने अपनी भारतीय ऋषि परंपरा को छोड़ दिया, हम केवल स्वार्थ में रह गए, इसलिए हम दुखी हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि योग ही एक ऐसा उपाय है और आपके अंदर वो चेतना है, इसलिए तो आए हैं ना। यहाँ पर जानकारी हुई होगी, लोग प्रचार भी किए होंगे, किए कि नहीं? आप ही क्यों आए? क्योंकि आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप भीड़ का हिस्सा नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि भीड़ भाड़ में जाती है। कहां जाती है भीड़? भाड़ में जाती है। आप जैसे कुछ लोग ही समाज का, परिवार का, संसार का, राष्ट्र का उद्धार करने के लिए निकलते हैं। और याद रखना, अगर हमारा जीवन किसी के काम में नहीं आता, अगर हमारा तन मन धन किसी के काम में नहीं आता, तो हमारा जीना व्यर्थ है। एक मिनट में हजारों लाखों लोगों की मृत्यु होती, होती कि नहीं होती? और एक मिनट में लाखों लोगों का जन्म भी होता है, होता कि नहीं होता? लेकिन याद रखना, उनका जीना और उनका जाना, अगर संसार ने जाना है तो समझो उसका जीना सार्थक है। और यदि हमारा जीना, हमारा जाना, हमारा जन्म लेना ये संसार ने नहीं जाना, तो हमारा जीना पशु से भी बदतर है। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं भी तो जवानी को अच्छी प्रकार से जी सकता था, बोलिए, जी सकते थे कि नहीं? तो हमने, या हम स्वामी जी महाराज के जीवन को देखें, अगर स्वामी जी महाराज अपने घर से ना निकलते, ये जीवन और जवानी ना लगाते, तो क्या देश जागता? कभी नहीं जाग सकता था। और आज भी कितना सोया पड़ा है आप सब जानते हैं। जरूरत है अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए योग को जीने की।
अगर हम इसको जिएंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा। अगर पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन जीना है तो कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है रिस्क लेने की। और कोई बोलते नहीं हम रिस्क नहीं ले सकते, हम समाज की सेवा नहीं कर सकते। आप याद रखना, आप घर परिवार में क्या जीवन अकेला व्यक्ति भी जिए, कुछ नहीं उसके जिम्मेदारी, तो भी संघर्ष क्या कम होते हैं उसके जीवन में। एक व्यक्ति अकेला है, ना उसके कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना कोई ऊपर है, ना कोई नीचे, ना अगल बगल कुछ भी नहीं है, तो क्या वो जीवन स्वतंत्रता से जीता है, सुख से जीता है? कभी नहीं जी सकता है। जीवन तो सदा संघर्षों में जीते हैं लोग। और फूल कहाँ खिलते हैं? कांटों के बीच में खिलते हैं, खिलते कि नहीं? इसलिए आज ये योग धर्म, ये बहुत बड़ा हमारा स्वधर्म है। धर्म का मतलब कर्तव्य है। हम स्वयं योग करें और दूसरों को योग कराएं, जीवन और जगत को अच्छा बनाएं। इसलिए आपके सबके अंदर ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है। योग करने और कराने वाला व्यक्ति कभी समस्या नहीं, वो समाधान बनता है, वो घर परिवार को भी अच्छा करता है, वो समाज को अच्छा करता है, वो दीन दुखियों की रक्षा करता है, वो बेटी को, बच्चों को, बेटों को वो चरित्रवान बनाता है, नशे से बचाता है, व्यभिचार से बचाता है। इसलिए आप सब, मैं कहता हूं कि यदि अपने जीवन में दो चार व्यक्तियों को भी आपने योग से जोड़ दिया, उनके जीवन को योगमय बना दिया, तो उनके जीवन को धन्य कर दिया। और वो पुण्य जो आपने किया है वो आपके साथ जाने वाला, संसार से कुछ भी कोई ले के जा नहीं सकता। जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। यदि किसी को आप योग कराते हैं तो आप अनुलोम विलोम कपाल भाती नहीं सिखाते, आप उसको विचार देते हैं, उसको जीने की कला सिखाते हैं, उसके बच्चों को व्यभिचार से बचाते हैं, उसके बच्चों को रोगों से बचाते हैं। लाखों लाखों रुपए लगाने पर भी शरीर और मन हम अच्छा नहीं कर पाते, स्वस्थ नहीं कर पाते। स्वास्थ्य कहीं खरीदने से नहीं मिलता, स्वास्थ्य मिलता है जागरूकता से, स्वास्थ्य मिलता है कटिबद्धता से, स्वास्थ्य मिलता है संकल्प से। मिलता है कि नहीं मिलता? इसलिए संकल्प के साथ आप कार्य करिए, एक दिन भोजन मिले या ना मिले, लेकिन कभी योग छोड़िए नहीं। ये मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं। और देखो, भारत वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, हजारों लाखों जिम्मेदारियां हैं कि नहीं, देश और विदेश की है। हमारे लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज को हम देख लीजिए, चलो वो तो दिखाते नहीं कि मैं योग करता हूं, लेकिन करते तो है ना। वो कहते हैं कि मैं रोज योग करता हूं, तब सेवा में लगता हूं देश की। 2 घंटे प्रधानमंत्री भी योग करके बाहर निकलते हैं, और देखो इस अवस्था में भी पूरी दुनिया की चक्कर लगाते हैं, और एक एक दिन में 5-5 सभाओं को संबोधित करते हैं। कोई साधारण काम नहीं है, एक बार भी बीमार नहीं हुए, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। पहला उदाहरण ये, जो जगत की सेवा में या ये कहें कि राजनीतिक के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनका उदाहरण दिया। हमारे लिए हमारे गुरु सबसे बड़े उदाहरण हैं। हजारों जिम्मेदारियां हैं, वर्ष के 365 दिन 4:45 बजे आस्था के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों के सामने योग करते और कराते हैं। बोलो, करते कि नहीं? तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जब गुरु अध्यात्म की सेवा में, योग की सेवा में कभी एक दिन का भी नागा नहीं करते, तो क्या हमको करना चाहिए? अगर 2-4-5-10 लोगों का परिवार है, हो सकता है आप संयुक्त परिवार में हो तो 25 लोगों का परिवार हो, 50 से ज्यादा परिवार एक व्यक्ति का आप में तो नहीं है ना। मैं ऐसे घर को भी जानता हूं जहां एक ही छत के नीचे 250 लोग रहते, 250 लोगों का एक परिवार है, वो भी योग करते। तो याद रखना, मैं आज इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि आपका जीवन, आपका तन, आपका मन, आपका धन यदि समाज की सेवा में लगता है, समाज को आप उन्नत बनाते हैं, तो संसार की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। योग जो हर पंथ, मजहब, हर व्यक्ति इसको करता है और चाहता है, इसके बिना जीवन का कल्याण हो नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, उनको लीवर की समस्या, उनको किडनी की समस्या, उनको डायबिटीज की समस्या हो रही है, उनको आंखों की समस्या हो रही है, इससे हम कैसे बचाएं उनको? तो एक ही उपाय है, योग करो और कराओ। ये भारत को चरित्रवान बनाने का कार्य है, ये भारत को स्वाभिमान से युक्त करने का कार्य है। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं कि आप जो यहां करते हैं उसको और बढ़ाइए।
तो मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि योग आपको जब यहां शिविर लगाते हैं, जैसे पहलवान जी ने लगाई या बहुत हमारे प्रभारी राज्य प्रभारी आकर के यहां लगाए, तो आपसे कोई पैसा लिया गया क्या? नहीं। कोई आपसे कि नहीं नहीं आपको देना है या कहीं किसी से कोई ऐसी बात कही क्या? नहीं कही ना। देखो, ये विशुद्ध रूप से देश की सेवा करते हैं और मैं बहुत ही करुण भाव से और बहुत ही विनम्र भाव से इस बात को कहता हूँ। मैं पूरा देश घूमता हूँ। जेवर जैसा नाम है ना, जेवर किसको कहते हैं? किसको? गहने को। गहना जो शरीर को क्या बनाता है? सुंदर बनाता है, रूपवान बनाता है। आज से आप संकल्प लीजिए, क्योंकि ये स्वार्थ का कार्य नहीं है, ये परमार्थ का कार्य है और ये सेवा सनातन की सेवा है। आज ज्यादा बोलना उचित नहीं, आप सब जानते हैं, यदि अपने सनातन की सेवा नहीं करेंगे, अपने बच्चों को यदि हम चरित्रवान नहीं बनाएंगे, उनको आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, तो बहुत देर हो जाएगी। एक ये सहारा मिला है, एक ये जो है आधार मिला है एकत्व का, योग से लोगों को जोड़ने का। मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम आप इतना पुरुषार्थ करिए और राज्य प्रभारियों को बुलाइए। हर व्यक्ति का इतना सामर्थ्य हो कि एक व्यक्ति 100-100 व्यक्तियों का नेतृत्व करने वाला हो। आप जब एक आवाज में हजारों लोग एक स्थान पर खड़े होंगे तो पूरा जेवर योग करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जेवर को दिल्ली का जेवर बना दीजिए, एनसीआर का जेवर बना दीजिए और इतना अच्छा इसको बनाइए कि पूरा भारत वर्ष आपके ऊपर गौरव करे। अगर प्रभार लेकर के भी इस कार्य को नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, ये न्याय नहीं होगा। मैं आपके यहाँ आया हूँ, एक सन्यासी हूँ, मैं भिक्षा मांगता हूँ कि इसको इतना अच्छा बनाओ कि आप ये कहो कि स्वामी जी आप कह गए थे कि जेवर को जेवर बनाओ, इस दिल्ली का श्रृंगार बनाओ, उसको हमने करके दिखा दिया। देखो ये करेंगे कि नहीं करेंगे, आप बताइए। अगर आपके बीच का कोई बच्चा, आपका कोई मित्र, आपका कोई बेटा, आपका कोई बेटी नौजवानी की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होती है, अच्छा लगेगा? छोटा बच्चा है, उसको टाइप 1 डायबिटीज, डॉक्टर कहता जीवन भर इसको दवा खानी पड़ेगी, वो दुख से जिएगा। आप पड़ोसी होकर के, आप जानबूझ करके उसके दुख को सहेंगे क्या? आपके बहन बेटी को कोई आंख उठा करके देखे, उसको चरित्रहीन बना दे या वो चरित्रहीन हो जाए, तो क्या आपको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। स्वामी जी महाराज यही कार्य कर रहे हैं कि स्वाभिमान के साथ जियो, एकत्व के साथ जियो, अपने शक्ति को पहचानो। परमात्मा ने आपको वो शक्ति दी है, गुरु ने आपको वो शक्ति दी है, इसलिए शक्ति को बढ़ाइए, शक्ति को जो है बांटिए। नो ईगो नो इग्नोरेंस, अहंकार नहीं। अहंकार जब जब हमने किया है, देश का बंटा ढार हुआ है, समाज का बंटा ढार हुआ है, संगठन घर परिवार का बंटा ढार हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि आप इसको पूरा अच्छी प्रकार से करेंगे। देखो, आपका एक छोटा सा भी सेवा का कार्य बहुत पुण्य देता है, वो आपकी मुसीबत में पता नहीं कब काम आ जाए, ठीक है ना? तो मैं आश्वस्त हूं, आश्वासन आपको देता हूं कि पूरी टीम आएगी, पहलवान भी रहेंगे और ये जेवर की टीम को इतना अच्छा बनाइए, ठीक है ना? बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तन से, मन से, धन से, जीवन से इसको पूरा उत्तम बनाना है, ठीक है ना? और इस परम पूज्य स्वामी जी महाराज के महाअभियान में अपना योगदान दीजिए, इससे जीवन सार्थक होगा।